इरादे रोज़ करते हैं और टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो देखिए, आज जो है आज का व्लॉग बनाएंगे हैं, हम जाने वाले हैं ढाई दिन की झोपड़ी जो अजमेर शरीफ में है, और जो है हम आज आना सागर जाएंगे। और देखो, हम लोग रेडी हो गए थे और अभी सुबह के कुछ 10 या 10:30 बज रहे हैं। सबसे पहले दरगाह में जाएंगे और आज जोहा का बर्थडे भी है तो उसका भी व्लॉग डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है दरगाह की तरफ जा रहे हैं और जोहा भी माशाल्लाह आज उसका जन्मदिन है, तो आज सबसे पहले दरगाह शरीफ में जाएंगे और खूब दुआ करेंगे। कितनी अच्छी बात है जो है आज जोहा का बर्थडे ये साल जो है हम अजमेर शरीफ में मना रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। तो आप लोग पूरा पूरा व्लॉग ज़रूर देखें। जोहा इकरा। तो देखिए, यहाँ पर जो है बच्चे दुआ कर रहे थे, आज जोहा का बर्थडे है, आज वो 14 इयर्स की पूरी हो गई है माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है जो उसका जन्मदिन है वो यहाँ पर हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ना। अजमेर जा रहा हूँ, मुझे रोकना नहीं। अजमेर जा रहा हूँ, मुझे रोकना नहीं। अजमेर जा रहा हूँ, मुझे रोकना। ये है हमारी मस्जिद और ये है मीनारे हैं सारे, ये सारी मस्जिद का है और यहाँ से दिखता है गुंबज। देखिए इतना अच्छा व्यू माशाल्लाह, इतना अच्छा नज़ारा इस तरीके से। और ये सोने का कलश, गरीबन नमाज की शान माशाल्लाह। मेरे ख्वाजा का दरबार हमेशा सलामत रहे। तो देखिए, यहाँ पर ये मस्जिद है दरगाह के, दरगाह शरीफ के अंदर ही। तो मैं जो बाहर खड़े रहकर यहाँ से वीडियो बना रही थी, और अभी जो है हम लोग जो यहाँ से अब जाएंगे ढाई दिन की झोपड़ी, और आना सागर भी आज जाएंगे हम लोग। और शाम में जो है थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे, क्योंकि वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या सरप्राइज़ है और क्या प्लानिंग करे है सब लोगों ने, तो वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अभी जा रही हूँ ढाई दिन की झोपड़ी, और यहाँ पे देखो दरगाह के पीछे से रास्ता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाज़ार है, और मैं अभी आपको जो है यहाँ का अजमेर का बाज़ार जो मार्केट है वो बता रही हूँ और इनके प्राइस भी बता रही हूँ। रेट कितना है इसका? कितना रेट है? नीचे के 100 रुपए है ना। तो देखो ये वाले जो सेट है वो 100 रुपए में, और ऊपर वाले देखो इतने बड़े बड़े सेट है और वो 150 में। तो इतने अच्छे अच्छे सेट है, तो अजमेर से आप लोग बहुत अच्छी शॉपिंग करके जा सकते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे और सस्ते भाव में मिलता है ना, है ना इकरा? इकरा को पसंद आया? हाँ। तो देखो ये सब 100 रुपये में इतनी अच्छी अच्छी चूड़ी है जो हमारे इधर जो बहुत महंगी मिलती है, तो काफ़ी सस्ता बाज़ार है बहुत है। दरगाह के पीछे का ही रास्ता है जहाँ पर हम लोग ढाई दिन की झोपड़ी पे जाते हैं, वो रास्ता है, और काफ़ी अच्छा बाज़ार है, बहुत अच्छे। और नेकलेस आ रही है, एयरिंग कैसे दे रहे हैं अंकल? सब 100, ये सब 100 रुपये में एयरिंग्स है ना, ये 300 का है। और ये चाचा की दुकान है ना।
देखो ये क्या है, ये केसर है, ये काका हटो हाथ मत डालो, ये कश्मीरी कश्मीर का है ये केसर। अरे वाह, और ये क्या है, एक बार और सुन, एक बार और बोल, ये क्या है, केसर ये कस्तूरी है, हटा ये कस्तूरी, कस्तूरी, और ये और ये क्या सलाजीत क्या होगा, या अल्लाह चलो आंटी, चलो ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा है, आके लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर है ये राजस्थानी सूट, काफी बच्चों के अच्छे अच्छे सूट है ना, पूछ लेते, चल आ जा भाव पूछते, कितने के अंकल ये वाले, ये हाँ 150, तो देखो 150 रुपये में ये सूट है, बहुत अच्छा गरारा बना हुआ है पूरा, और इसका भी भाव अच्छा है। तो देखो यहाँ पर जो चुनरी के दुपट्टे है बाजार में, काफी अच्छी चुनरी के दुपट्टे मिलते हैं माशाल्लाह, और काफी अच्छा बाजार लगता है। तो भाई ये दुपट्टा कितने का है एक चुनरी का, तो देखो 150 में ये वाला दुपट्टा है ना, है ना जो जुआ पसंद आ रहा है, ये बैग भी देखो 150 में है, जो अपने इधर कितना महंगा मिलता है ये बच्चों का, है ना, तो काफ़ी अच्छा बाजार है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो देखो ये यहाँ की स्पेशल मोजड़ी अजमेर की है ना, फेमस रहती है, कितने का प्राइस क्या है इसका, 180, और लेने करेंगे तो भाव करते हैं ना थोड़ा बहुत, हाँ तो 150 में दे देते हैं, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी शूज़ है, बता हाँ देखो कितना अच्छा वर्क है, 150 मत निकालो मत, बहुत अच्छा, ये दरगाह के पीछे 2.5 दिन की झोपड़ी जाते हैं उधर का रास्ता है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ये बैग्स वगैरह मिलते हैं काफ़ी अच्छे। आंटी इसका क्या भाव है, 250, बाकी सारे 250 के ही है, कम 150 वाला कौन सा है, ये 150 वाले, अच्छा और ये वाले पर्स, अच्छा देखो ऐसा सारा बाजार है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, और ये सारे, और ये देखो यहाँ के स्पेशल चंपा मंगड़ी है ना, ये कैसा पूरा सेट, ये पूरा 250 का सेट है, 250 सारी चूड़ियाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं, बहुत पसंद आ रही है मेरे को। और ये देखो यहाँ के जो पुराने ज़माने के जो हार होते हैं ना, वो है क्या, कौन से हार बोलते हैं इसको आंटी, रानी हार, हाँ रानी हार, ये सारे रानी, देखिए यहाँ पर जो ये सारे लकड़ी का सामान बच्चों के एंटीक पीस है, देखो ये झूला कितना अच्छा है, ये कितने का झूला, मस्त लग रहा है ना। तो देखा आप लोगों ने अजमेर शरीफ का ये जो 2.5 दिन की झोपड़ी जाते हैं वहाँ का पीछे का रास्ता है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाज़ार लगता है, जो चाहे आप ले सकते हैं और लेते भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दूर से आते हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग करते, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी एंटीक एंटीक चीज़ें भी मिलती है, देखो ये सारी वॉच कितनी अच्छी घड़ी है, लेकिन लेके जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसे बहुत अच्छी लगी मेरे को ये सारी घड़ी, और काफ़ी सस्ती थी, 300, 250, 350 में इतनी अच्छी अच्छी घड़ी मिलती है, और ये सारे चैन थे जो आपके नाम के हिसाब से ये लोग बनाकर देते, तो वो हिसाब के चैन यहाँ पर थे, और यहाँ पर थे जेंट्स अंगूठियाँ सारी, और लेडीज़ की भी बहुत अच्छा बाज़ार लगा ये, वैसे तो हमारे इधर भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस बहुत कम था, देखो ये इकरा के नाम का था, तो इकरा देख रही थी ये, तो इकरा ये देख रही थी, और जोहा के नाम का भी था, तो सारे नाम के अगर ना भी हो तो ये लोग बना के देते, आपको बहुत अच्छे लगे मेरे को ये सारी किचन मिलेगा। तो ये भाई है ना, ये जो है भाई, ये बनाते हैं 100 रुपये में ना, 100 रुपये में 4 नीम का लेटर बना के देंगे, हाँ 100 रुपये में बना कर देते, तो काफ़ी अच्छा, मेरा नाम भी है, 100 बोले ना, 100 का पड़ेगा आपको, मेरा नाम के अंदर प्योर हाथ से कटिंग करते हैं, चलो हैंड वर्क है।
देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जो है ढाई दिन की झोपड़ी में जा रहे थे, तो इस तरीके की सीढ़ियाँ है, थोड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ यहाँ पर, तो थोड़ा मैं ऐसी चल रही थी संभल संभल कर, क्योंकि मैंने जो है बहुत लहर वाला गरारा पहना हुआ है इसलिए। अब जो है हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ये ढाई दिन की झोपड़ी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और यहाँ पर बहुत सारे आयात वगैरह लिखी हुई है, इसकी भी कुछ इसका भी कुछ वाकिया है, मुझे इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसे ढाई दिन में बनाया गया था पूरा। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर रहते, अजमेर शरीफ जब भी आते हैं लोग तो यहाँ सारी जो नज़दीक की चीज़ें हैं जगह है वहाँ पर जाते हैं। और तो देखो यहाँ पर बच्चे अच्छे से टहल रहे थे, घूम रहे थे, और हमारे जो साथी थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे, तो वो लोग भी हमें यहाँ पर मिल गए, और बच्चे और वो सब हम सब एक हो गए। और यहाँ पर हम लोग अभी ज़ोहर का वक्त हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर नमाज़ पढ़ लूँगी। तो इस तरीके से अब बच्चे जो है यहाँ पर अब थोड़ा घूम रहे, और मैं अब जाऊँगी नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद में हम आगे का वीडियो शूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नमाज के बाद का ये वीडियो बनाया है मैंने, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की आयत वगैरह लिखी हुई है सारी, जो इतनी अच्छी कारीगरी की है इसके अंदर, इतना अच्छा लगता है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और अंदर जो मस्जिद है, लेडीज़ का भी इंतज़ाम है नमाज के लिए, और जेंट्स का भी है, दोनों भी है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी इबादत वगैरह जब भी जाए तो कर लेना यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर देखो जेंट्स लोग सारे नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैं काफ़ी दूर से ये वीडियो ले रही थी, और थोड़ा साइड में छोड़कर जो है लेडीज़ को भी नमाज के लिए है। तो देखिए यहाँ से इतनी सारा मैंने सारा वीडियो बना लिया, पूरा ढाई दिन की झोपड़ी आपको बता दी वीडियो में ही, कितना अच्छे से लोगों ने कारीगरी की है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है यहाँ पर भी। और यहाँ से देखो खड़े रहकर जो है ना तारागढ़, जो ऊपर जो पहाड़ पर जो दरगाह है, बहुत अच्छी दरगाह है, वहाँ पर भी मैं जाने वाली हूँ इंशाल्लाह, और वहाँ का भी वीडियो मैं बनाऊँगी, लेकिन अभी टाइम मैंने इसलिए ज़्यादा लेकर आई हूँ ताकि सारी जगह मैं घूम सकूँ अच्छे से, और रोज़ एक एक वीडियो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर सारे वीडियो देखना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अभी तारागढ़ का पहाड़ है ये, और वहाँ पर जो दरगाह मैंने दिखाई आप लोगों को, और यहाँ पर देखो बच्चे अभी टहल रहे थे, तो यहाँ पर जोहा को उसकी फ्रेंड मिल गई थी जो हमारे साथी थे वो, और यहाँ पर आपको फ़ोटो निकालने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, आप अच्छे अच्छे फ़ोटो यहाँ पर निकाल सकते, बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चे जो है अभी घूम रहे थे, अभी काफ़ी टाइम था, और आज हमें अजमेर में ही रहना है क्योंकि हम सारा घूम चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अभी जो है थोड़ा टाइम हम यहाँ देंगे, और उसके बाद शाम में हम आना सागर जाने वाले हैं। तो अभी देखो इकरा और ये इसकी फ्रेंड यहाँ पर खेल रहे थे, तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर बच्चों को लेके जाने में भी, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं यहाँ पर भी बैठकर। अगर आप खाना वगैरह भी लेकर जाए तो यहाँ पर खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आप खाना वगैरह खाते, बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना वगैरह लेकर आते और खाते, तो इस तरीके से। तो देखिए अभी जो है हम लोगों का यहाँ पर हो गया था टाइम, अब हमें बाहर निकलना था, तो हम यहाँ पर निकले, तो हमने यहाँ से जो है थोड़े खिलौने ख़रीद लिए बच्चों के लिए, जो भाई के बच्चे उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए मैंने ये सारे, और यहाँ पर बहुत अच्छा सेल लगा हुआ था बच्चों के लिए खिलौना है ना।
देखा अब जो पूरा मार्केट हम लोगों ने घूम लिया था और ये डोंकी जा रही है यहाँ से, अब जो है हम जाएंगे होटल और खाना खाएंगे क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है और आज जोहा का बर्थडे है, तो हम लोग आज जोहा की फरमाइश का खाना खाने वाले हैं। तो जोहा ने हमें जो है चाइनीज़ होटल में यानी चाइनीज़ खाना उसे खाना था तो हम इधर आ गए। आज जोहा का बर्थडे, आज जोहा 14 इयर्स कंप्लीट है ना, तो आज जोहा देंगी ना मेन्यू। जोहा का क्या बना रहे हैं, जोहा क्या मंगाई रही है आज खाने में? चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली यानी चाइनीज़ आइटम बना रहे हैं। और मंगा रहे जोहा तंदूरी रोटी और चिकन चिल्ली और फ्राइड राइस। अभी और इसके आगे अभी तो चलो फ्राइड राइस आ गई हमारी है ना, पता नहीं टेस्ट कैसा है लेकिन अभी जो है हमारी मुंबई जैसा है, लेकिन अभी जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो देखो खाना खाने के बाद जो है अभी 3 या 3:30 बजे का वक्त था तो हम लोग जो होटल आ गए थे, तो होटल वालों ने इतने सारे बलून फुला के रखे थे, ये लोग होटल में पूरा डेकोरेट करने वाले थे और हमें बहुत सरप्राइज़ लगा इस बात का कि हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी बर्थडे मनाया जाएगा अजमेर में जोहा का। तो देखते आने तक के सारे बलून वगैरह सब जो है खुला के रखे और यहाँ पर हम जोहा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अजमेर शरीफ में जोहा का बर्थडे बहुत खुशी की बात है, तो आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखें। तो देखो इस तरीके से होटल वाले सारी तैयारी कर रही थी और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जब तक के आना सागर घूम कर आ जाओ, तो हम लोग 4 या 4:30 बजे के टाइम पर आना सागर के लिए निकल गए थे क्योंकि आना सागर अजमेर में ही है और काफ़ी नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता, हम पैदल भी जा सकते थे लेकिन अभी किसी का मूड नहीं हो रहा था, तो यहाँ से हमने जो ये साइकिल जो थी इस पर बैठ गए थे और ये कुछ अलग है, मैं बहुत कम बार यहाँ पर मुंबई में तो ये सब चीज़ें नहीं होती है लेकिन जब भी हम अजमेर या दिल्ली वगैरह जाते हैं तो इस तरीके के साइकिल ऑटो होते हैं जिस पर बैठने का एक्सपीरियंस भी कुछ अलग होता है और काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखिए इस तरीके से हम बैठ गए थे हमारी साइकिल रिक्शा पे, यहाँ पे साइकिल रिक्शा बहुत ज़्यादा चलती है और अलग एक्सपीरियंस है। बच्चों का पैसा नहीं लगता है, बड़ों का 20 रुपये सीट है, तो आप लोग जब भी आए तो आना सागर जरूर जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है और 7 वंडर भी वहाँ पर है ना, वो भी देखेंगे आप। बोर्डिंग भी है मैंने सुना है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं अभी। चलिए यहाँ पर घोड़ा गाड़ियाँ भी चलती है, ये ऐसी रिक्शा होती है और ऐसी रिक्शा होती है और साइकिल रिक्शा भी होती है। अजमेर में हर किसी को रोज़गार है ना, हर कोई रोज़ी कमा रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को साइकिल रिक्शा में। और सारा अजमेर सिटी है हमारा प्यारा प्यारा। यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर ऑटो वाला ऑटो चला रहा है और मैं और इकरा जो आगे बैठे थे और दोहा और उसके अब्बा जो पीछे बैठे थे, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आ गया। अरे भाई आगे लेंगे 7। यहाँ पर टिकट मिलता है, छोटा सा है, 25 रुपये टिकट है कुछ। और रियाज भाई का
चलो अम्मी। तो देखिए अभी जो हम लोग की फैमिली आ गई थी आना सागर, तो पहले जो थी मैंने सुना यहाँ पर टिकट नहीं थी, और हम लोग भी आए थे जब शायद कुछ साल पहले, तो यहाँ पर टिकट नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो है टिकट लगा दिए 25 रुपीज़ है और यहाँ पर अंदर जाने के लिए, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये लोगों ने अभी बनाया है, यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन बनाया है, और आना सागर का तो व्यू ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुला समंदर बहुत अच्छा लग रहा था देखने से। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आते हैं, और देखो कितना अच्छा यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा, और यहाँ पर जो समंदर है यहाँ पर जो है बोट चलती है, तो यहाँ के बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है बोट में बैठते हैं। तो देखो यहाँ तो ये आना सागर के पास बच्चे आ गए थे, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर जो बोट चलती है उसके चार्जेस है, मोटर बोट भी चलती है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। देखो यहाँ से आना सागर है, यहाँ पे गेट लगा है, इस पे ऐसी जो सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, और देखो इतना, और जो देखिए यहाँ पर जो है ये बोर्डिंग भी होती है यहाँ पर, देखो इस तरीके से सब लोग बोर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर जो समंदर है आना सागर का तालाब है, तो यहाँ पर बहुत सारे परिंदे जो होते बगले वगैरह वो इस तरीके से समंदर पे घूमते, जो आते हैं लोग टूरिस्ट तो कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर लेके जाएंगे, ये खाने की गरज से यहाँ पर आते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ थी और जो किनारे पे थी एकदम, तो हम जो यहाँ पर खड़े थे अंदर साइड पर, तो यहाँ से हम लोग भी उन्हें कुछ ना कुछ डाल रहे थे, क्योंकि हमको पता नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि हमारे पर्स में जो थे कुछ जो थे, हमने जो पूरियां वगैरह आटे की लेके गई थी वो मेरे बैग में मैंने ली थी बच्चों के खाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि बच्चों ने नहीं खाए, वैसे जिसके नसीब में होता है वही लेता है। तो देखो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो पूरी लेकर आई थी मावा पूरी, तो वो मैं इन परिंदों को और मछलियों को डाल रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बच्चों ने भी डाले और मैंने भी यहाँ पर डाले, बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा देखकर। और देखो कितने सारे परिंदे आए हैं, है ना, तो आप लोग भी ध्यान रखें जब भी आप आना सागर जाए तो कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर लेकर जाए परिंदों के लिए और मछलियों के लिए, ये बहुत बड़ी नेकी भी है और अच्छा भी लगता है। डाल जो डाल ना, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे डालना। देखो इसके अंदर जो फिश है वो मच्छी जो है वो हम लोग यहाँ पे कुछ डाल रहे हैं, वो खा रहे हैं, देखो इस तरीके से। जोहा जो है सभी हम लोग आ गए आना सागर, है ना, और यहाँ पर देखो बोर्डिंग भी होती है, और यहाँ पर जो है फिश वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा गार्डन है, बहुत अच्छा है आना सागर का गार्डन।
बहुत मजा आ रहा है, हम लोग को खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ इंजॉय करें और पूरा पूरा ब्लॉग जरूर देखें। उधर है हमारा झंडा, हमारे देश का नेशनल फ्लैग है ना। तो देखो यहाँ पे जोआ इकरा, दोनों बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। और ये चप्पल निकाल के चल रहे थे कि ये घास में चलने में मजा ही अलग आ रहा है ना। सब हरियाली हरियाली और घास में तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और अभी दिसंबर का तो देखिए ये है गार्डन यहाँ का, और ये है यहाँ का वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ना अभी शाम का टाइम में। ये पूरा वाटरफॉल और ये गाने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है आना सागर से बाहर आ गए थे, और अब जो है यहाँ पर केक बहुत मुश्किल से मिला। यहाँ पर कोई ब्रांडेड केक तो नहीं मिला, लेकिन बेकरी से जो हमने केक लिया था वो भी काफ़ी अच्छा था। क्योंकि होटल वाले इतना सब कर रहे तो हमने सोचा कि हम लोग भी केक वगैरह ले लेते, क्योंकि बर्थडे तो खैर हमें यहाँ पर इस तरीके से नहीं मनाना था। लेकिन अब जो भी है देखो इन लोगों ने कितनी सारी तैयारी कर ली है, होटल वालों ने काफ़ी सजावट कर ली थी हमारे आने तक। बहुत अच्छे देखो हमको इनके जो ये यहाँ पर ओनर स्टाफ जो भी सब लोग, तो इन्होंने हम पूरा फुल सजा लिया हमारे आने तक है ना दुआ का बर्थडे। और देखो यहाँ पर जो केक लेकर आ गए हम लोग ने, अभी जो भी केक मिला है वही लेकर आए। यहाँ पर जो है मोंजेनिस केक की कोई दुकान नहीं मिली मुझे, तो मैंने जो था वही केक लेकर आ गई हूँ। लेकिन देखते हैं अभी कैसा है क्या है ना। तो चलिए देखो यहाँ पे सब लोग अभी केक कैंडल लगा रहे हैं। चलो बनाओ Happy birthday to you, happy birthday to Yarizoha, happy birthday to you, may God bless you, God bless you, de din aaye, bar bar din aaye, like you hazaaron ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अजमेर में बर्थडे बनाने का था काजल जी के सामने। ये बहुत बड़ी स्वाभाविक बात है कि आपका बर्थडे अजमेर शहर में बनाया जा रहा है काजल जी की नगरी में। अब्दुल हाँ अब्दुल भाई को खिलाओ, अब्दुल भाई को पहले खिलाओ, वासु भाई को खिलाओ। काले काले के भाई लोगों को खिलाओ। चलो अभी ये जो अरे नहीं ऐसा नहीं पूरा खाओ, आप भी लो, नहीं थोड़ा ले लो थोड़ा, अरे बच्ची के हाथ से थोड़ा ले लो, हाँ खाओ। हो गया अंकल गए अभी। तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग ने पूरा बर्थडे का यहाँ पे कर लिया है, और अभी प्लेट भी रेडी हो गई है ना। तो दोस्तों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और जो नए लोग हैं वो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए दीजिए अपनी बहन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।